गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी कुछ मिनटों पहले ही आरआरबी पीयू मेंस का स्कोर कार्ड रिलीज हुआ। स्कोर कार्ड के साथ साथ आपके स्क्रीन पे जो दिख रही है वो ऑफिशियल कट ऑफ है। सभी स्टेट्स की एक बार कट ऑफ पे नजर डालेंगे कि क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की कट ऑफ रही। तो बारी बारी से अगर हम चेक करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश की कट ऑफ है 82.81 कट ऑफ है, अरुणाचल 61.73, आसाम से है, बिहार से आपकी हाई कट ऑफ है 82.76, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से 81 कट ऑफ है। अब काफी बच्चे जानना चाहते थे कि सर गुजरात राजस्थान और यूपी में वैकेंसीज वापस ऐड हुई क्या। तो क्लियरली पता चल रहा है कि वैकेंसी वापस ऐड नहीं हुई है, क्योंकि वैकेंसी ऐड हो जाती तो ये कट ऑफ आपको बहुत कम देखने को मिलती। जैसे कि लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर का अगर आप देखें तो प्री का कट ऑफ बहुत ज्यादा और मेंस का कट ऑफ बहुत कम था। उसका कारण कि प्री और मेंस के बीच में वैकेंसी ऐड हो गई थी, तो जितने बच्चे क्लियर किए थे उनमें से ऑलमोस्ट सबका सिलेक्शन हो गया था और कट ऑफ काफी कम रही थी। वैसा इस बार नहीं देखने को मिला। 91 हरियाणा से गई है, काफी हाई कट ऑफ है। 92 आई थिंक काफी हाई कट ऑफ हिमाचल से, जम्मू से 79 है, झारखंड से 84 है, कर्नाटका से 63, केरल से 91 है, मध्य प्रदेश से 82, देन महाराष्ट्र से 80 है, मेघालय से 57 है, देन आपके उड़ीसा से 81 है, पुडुचेरी से 87 है, पंजाब से बहुत हाई कट ऑफ है 93.88। आई थिंक ये हाईएस्ट कट ऑफ है या इससे भी ज्यादा है। लेट्स सी नीचे राजस्थान की, जैसे कि आप देख सकते हैं वैकेंसी ऐड नहीं हुई है, 89 कट ऑफ गई है। तमिलनाडु से 83, तेलंगाना से 80, त्रिपुरा से 78, उत्तर प्रदेश यूपी से 82, जो कट ऑफ कम होनी चाहिए थी अगर वैकेंसी ऐड होती वो नहीं कम हुई है। हाईएस्ट कट ऑफ जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड की हाईएस्ट कट ऑफ है 94.8, ये हाईएस्ट है, और वेस्ट बंगाल से 84.5। तो ये ओवरऑल कट ऑफ थी। अब सभी कैंडिडेट से एक सजेशन है मेरी तरफ से कि आप अपना स्कोर कार्ड देखिएगा, ये देखिएगा कट ऑफ से कितना कम रहा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मेरे अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग मेरे ये मार्क्स आएंगे, और उसमें कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला। अगर डिफरेंस ज्यादा देखने को मिला है इसका मतलब आपसे बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग हुई है और उस पर काम करने की जरूरत है। अकॉर्डिंगली सेक्शंस को देखिएगा कि यार कौन से सेक्शन में मैं वीक रह गया। अब बचा हुआ जो समय है ना, अब आगे हमारे पास 3 रिक्रूटमेंट्स है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क है, टाइम हमारे पास है, आराम से 2 महीने का समय तो है ही है हमारे पास, लेटेस्ट से लेटेस्ट मेंस एग्जाम से भी। तो इस दौरान अपने को पूरा टाइम का अच्छे से यूसेज करना है, जान लगा देनी है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। अब ये मेरे पास ये मैसेज आना नहीं चाहिए कि सर मैं बहुत दुखी हूँ, 0.1 से रह गया, 4 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से, 1 मार्क्स से, 0.1 से थोड़े से ज्यादा भी आ जाते उनका भी कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि इंटरव्यू अभी इंटरव्यू बाकी है। बच्चे इनमें सारे सेलेक्ट नहीं होने वाले, जिन बच्चों के इससे कट ऑफ से भी कुछ सिग्निफिकेंट मार्क्स ज्यादा है ना, कम से कम 10 मार्क्स ज्यादा है ना, तब उनकी कोई चांस बनना स्टार्ट होते हैं। और जिनके 15 या 20 मार्क्स का क्लैरिटी होती है ना, क्लियरेंस होता है, उनका ऑलमोस्ट हो जाता है कि यार इंटरव्यू ठीक ठाक भी चला गया तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट अभी हमें करनी है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। समय हमारे पास है, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे ना, और अपनी गलतियों को पहचान के उन पर सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो आने वाला जो मेंस का एग्जाम है ना वो इससे बहुत बेटर दोगे आप। तो इस पे काम करो बजाय कि डीमोटिवेट डिप्रेस होकर बैठ जाओ, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब चलिए आज के सेशन में फिर इतना ही था, कट ऑफ आपको बतानी थी, बाकी ऑलरेडी सेशंस चल रहे हैं। अभी 6:15 बजे अभी सर की क्लास चल रही होगी, तो वो क्लास जाके अटेंड करो सभी के सभी। ठीक है, क्वांट्स मेंस की क्लास चल रही है, एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ मेंस को टारगेट करते हुए, वो क्लास अटेंड करो, और बाकी भी जो क्लासेस चैनल पे रहती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो क्लासेस बराबर तरीके से लगाना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।